क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। बांद्रा, अंधेरी, पवई, ये वो इलाके जहां पर एनसीबी की तीन टीमें अलग अलग जगहों पर इस वक्त हैं और छापेमारी कर रही हैं। कुछ और सबूतों को जुटाने की कोशिश है एनसीबी के इस मामले में। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी कर रही है जो भी इस ड्रग्स केस से जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर ये छापेमारी एनसीबी वेस्टर्न सबर्ब इलाके में है इस वक्त। तीन जो इलाके बताए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो है बांद्रा, अंधेरी और पवई। तो एनसीबी की टीम मुंबई के कई इलाकों को खंगाल चुकी है और अब कुछ और इलाकों में छापेमारी। सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे हम रुक कर लेते हैं उनका। सूरज, क्या जानकारी? तीन इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर अलग अलग टीमें इस वक्त एनसीबी की। जी बिल्कुल, ये तीनों इलाके हाई प्रोफाइल रिहायशी इलाके हैं। यहाँ पर तीन तीन की टीम गई हुई है, यानी कि 9 से 10 एनसीबी के अधिकारी गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो 20 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से किसी आरोपी की पूछताछ में और जो बाकी के चैट्स को एनालाइज करने के बाद ऐसे कुछ इनपुट्स मिले थे जिस पर एनसीबी कुछ दिनों से वर्कआउट कर रही थी, और उसी के बाद आज इन तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। एनसीबी को उम्मीद है कि इन जगहों से उन्हें कुछ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा जो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा, और अधिकारी अभी भी छापेमारी में व्यस्त हैं। ठीक है सूरज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो तीन अलग अलग जगह है जहां पर इस वक्त एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।